नाथद्वारा के दारचा गौरवपथ रोड पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बने मकान का गुरुवार दोपहर को लोकार्पण कर दिया गया। नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने 15 लाभार्थियों को फ्लैट के कागज सौंपकर बधाई दी, लेकिन लोकार्पण से पहले ही मकानों में दरारें व टूट फूट को लेकर लाभार्थियों ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पालिका आयुक्त, भाजपा नगर अध्यक्ष व ठेकेदार ने मंच पर इस पर सफाई दी। लाभार्थियों के मीठालाल मोची ने बताया कि सीलन युक्त कमरे, दीवारों पर दरारें, लटके बिजली तार, टूटे दरवाजे, गिरता प्लास्टर वाले मकान पालिका सौंपने जा रही है। 9 सालों के लंबे इंतजार के बाद मिल रहे मकान को देखकर अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। वही पालिका अध्यक्ष मनीष राठी ने इससे लेकर मंच में ही अपने अधिकारियों से ठेकेदार को मरम्मत कार्य पूरा करने के बाद ही फ्लैट हस्तांतरण करने के लिए पाबंद करने की बात कही, जिसमें बाद नगर पालिका आयुक्त ब्रजेश राय, भाजपा नगर अध्यक्ष प्रदीप काबरा व हेमा कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार ने मंच पर इस पर सफाई देते हुए 7 दिनों में मरम्मत कार्य करवाकर लोगों को हस्तांतरित करने की बात कही। ठेकेदार पटेल ने बताया कि वर्ष 2015 में ही योजना बनी हुई थी, लेकिन जमीन का हस्तांतरण 2017 में हुए, फिर 2019 में कोरोना के चलते निर्माण कार्य रुक गया था, इस कारण ज्यादा समय लग गया। निर्माण गुणवत्ता युक्त हुए हैं, फिर भी कुछ समस्याएं हैं जिनको निदान किया जाएगा। बता दें कि 8 सालों में मकान मिलने के लंबे इंतजार के बाद अब 480 लाभार्थी को नगर पालिका द्वारा जो आवास दिए जा रहे हैं वो अधूरे हैं। मकान में सीलन आ रही है, बिजली के तार खुले लटक रहे हैं, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। कई आवास के दरवाजे टूट गए हैं, जगह जगह प्लास्टर गिर रहा है, कई जगह बिजली के तार लगाकर पॉइंट छोड़ दिए हैं। एक कमरे में कई तरह के डिजाइन के टाइल लगा दी गई है, छतों पर पानी भर रहा है। आधे अधूरे आवास देखकर लाभार्थी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। 8 साल के लंबे इंतजार के बाद भी उन्हें सही तरीके का मकान नहीं मिल पा रहा है। मेरे अब मैं गलत पड़ रहा है मेरे को, तो हम पैसे भी जमा हो गए, ब्याज भी लग रहा है और मकान किराया भी लग रहा है मेरे को। क्या जिम्मेदारी आपकी नगर पालिका की बोलो, उन्होंने जाना वाला है, क्या जिम्मेदारी, किसके सुपर्द करेंगे हम। टेंडर हुआ 2014 के तहत, इसके बाद ये 2017 में लैंड दी गई। अच्छा, ठीक है सर। 2017 के बाद कोरोना आ गया, हाँ वो टाइम और हो गया, फिर इसमें जमीन तो दी थी, लेकिन फिर भी कब्जा किसी ने छोड़ा नहीं। अच्छा, खाली कह दिया कागज में एक साथ जमीन ही आपको। अच्छा, उसका समाधान होगा ना, शिकायत को सोल्व करेंगे, बिल्कुल इसमें क्या बात है। इनके एक एक चीज का, हमारा यहाँ 20 आदमी स्टाफ परमानेंट अराउंड क्लॉक 24x7 रहेगा, बिल्कुल नहीं। अच्छा। सभी मेजर हो छोटी हो उससे कोई लेना देना नहीं। किचन में जो टाइलें ले रखी है वो हमने लगाई है, वो बेस्ट बेस्ट नहीं है, बेस्ट नहीं है। जो स्पेसिफिकेशन उसका दे रखा है हमारे टेंडर के अंदर, वो टाइलें हमने लगाई है, हमने कोई ये हमारी मर्जी से नहीं लगाई। आज के कार्यक्रम, जैसे आप जानते हैं, मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत ये कार्यक्रम है कि जो मकान तैयार हुए हैं उनको, जो उनके मालिक हैं उनको सुपुर्द करने का कार्यक्रम हुआ है। और मुझे खुशी है कि लोगों को इतने साल बाद, इंतज़ार के बाद उनको अपना घर मिला है, तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ MP साहिबा की तरफ से और मेरे तरफ से सबों को शुभकामना और बहुत बधाई। मकान की क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन है वो समय बताएगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो मैंने सुना है कि कुछ कुछ न्यूज़ आइटम्स में कुछ आए हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर जो जब लोग घर घर जाएंगे और उन्हें देखेंगे कि अगर कोई तकलीफ है तो डेवलपर का ऑफिस यही है और उनको सुधार करना है।